हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाज़ार जाकर बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। ये देखिए, धनिया मिर्ची, ये गैस मोटी वाली मिर्ची है, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी बनाकर दिखाऊंगी। भिंडी, करेला, परवल और खीरे, आज मैं देखती हूँ इनमें से क्या बनाने वाली हूँ। मैं आज बनाऊंगी कटहल, कटहल की सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है गैस ये, लेकिन मेरे घर में बस मेरे बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, अदरवाइज़ हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस कटहल की सब्जी को बहुत पसंद करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर कट कर लूँगी। इसे सब्जी वाले ने मुझे पहले ही छील कर दिया था। इसमें हाथ में तेल लगाकर फ्रेंड्स इसको छीलना चाहिए, नहीं तो ये हाथ में चिपक जाता है बहुत बुरी तरह। देखिए, मैं सारे कट कर लूँगी, सारे पीसेस बना लिए मैंने छोटे छोटे इसके। अब इसके जो बीज होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी आप अलग से छील कर ही डालिए, नहीं तो इसके छिलके जो हार्ड होते हैं वो मुंह में चुभते हैं फिर। ये देखिए, मैंने पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ मैं इसको फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई रख दूंगी। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डालना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑयल में ही अच्छा लगता है। इसमें जीरा डालकर मैं अपना कटी हुई प्याज डाल दूंगी। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, अच्छे से भूनिए से। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स आपको, तो उस पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेक्सचर आता है। अब इसे अच्छे से भून लीजिए। देखिए, ये मेरा प्याज और लहसुन भून चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दूंगी, इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। कटहल की सब्जी फ्रेंड्स गर्मियों में ही आती है अक्सर, और बहुत ही बेहतरीन लगती है। इसको आप सूखा और पानी वाला कैसा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा बेटा जोर जोर से चिल्ला रहा है, खाना खाना खाना। ये बहुत ही नॉटी है। ये देखिए, मेरे सारे मसाले भुन चुके हैं, तेल और मसाले अलग हो चुके हैं। अब इसमें मैं अपनी कसूरी मेथी डाल दूंगी। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसमें। ये देखिए, और मैंने लहसुन जिसमें कूटा था, लहसुन और अदरक, उसी का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मसाला मेरा पक जाएगा, तब तक मैं यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई सी कर देती हूँ। ये मसाला मेरा भुन चुका है। देखिए, मेरा नोटी बेटा आ गया उठ के। अब ये बिल्कुल भी कटहल की सब्जी नहीं खाता है, तो ये मुंह बना रहा था, इसे मैं चिढ़ा रही थी। मैं कहा तुझे आज यही खाना है। देखिए, ये सब्जी मसाला मेरा भुन चुका है। अब मैं इसमें कटहल ऐड कर दूंगी। अब अच्छे से इसको मिला देंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिला दिया है इसे। अब इसे लो फ्लेम पर मैं ढककर पका दूंगी थोड़ी, जब तक ये गल ना जाए अच्छे से। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऊपर से डालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो जल जाएगा नीचे से। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी हाथ से छिड़काव सा करते हैं इस पे। अब यहाँ मैंने दूसरी सब्जी की तैयारी शुरू की है। मेरे दोनों बेटे कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अब इनके लिए मैंने आलू की सब्जी बनाने का सोचा है। आलू की सब्जी मैंने कुकर में प्याज और बाकी सारे मसाले एक साथ ही ऐड कर दिए इसमें। कुकर में सब मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और एकदम से फटाफट से बन जाती है। तो मेरा छोटा बेटा बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा है, मम्मी खाना खाना खाना, इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ काम। देखिए, मैंने सारे आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी ऐड करके और एक सीटी आने तक पका लूंगी।
जब तक ये मेरी सब्जी तैयार होती है तब तक मैं अपने बेटे को थोड़ा सा ब्रेड और चाय का नाश्ता देती हूँ, तब तक उसकी भूख शांत हो जाएगी। ये ब्रेड की स्लाइस मैंने सेक ली है, अब इसमें मैं उसका फेवरेट जैम लगा के दूंगी। पीनट बटर वो नहीं खाता है, थोड़ा कम ही पसंद करता है। अब इसे जैम लगाकर मैं ये सारी ब्रेड और चाय दे दूंगी जब तक उसकी थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखिए फिर से आ गया है, इसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। चेक करने आया, मम्मी पीनट तो नहीं लगा रही है। पीनट बटर मैं अपने बड़े बेटे के लिए लगाऊंगी, उसे थोड़ा ज्यादा पसंद है पीनट बटर। भूख लग रही है, मैं खाना दो। ला रही हूँ, सबर करो। ये देखिए अब ये नाश्ता करने बैठ चुका है, थोड़ा सा मैं भी इसके साथ आराम करके चाय पी लेती हूँ। मेरी बेटी पीछे पढ़ाई करते हुए घूम रही है, मेरी भी चाय हो गई है। अब मैं कुकर खोल के देख लूंगी मेरी सब्जी कैसी बनी है। देखिए ये फ्रेंड्स आलू की सब्जी तैयार है, इसमें गार्निश के लिए धनिया डाल दूंगी। धनिया से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और बहुत ही टेस्ट भी बढ़िया आता है। ये मैंने सारी निकाल के रख दी है बाउल में। यहाँ मेरी कटहल की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब इसे भी मैं धनिया से गार्निश कर दूंगी। खाना तैयार हो चुका है, अब इसको भी मैंने निकाल कर एक साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं नाश्ते के लिए, मैं उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूंगी। नाश्ते में रोटी सब्जी ही पसंद करते हैं। पराठे भी खा लेते हैं लेकिन उन्हें रोटियाँ ज़्यादा पसंद है, और रोटी भी उन्हें गैस के ऊपर सेकी हुई पसंद नहीं है, वो तवे के ऊपर ही सेक कर खाना पसंद करते हैं। कहते हैं इससे पेट ठीक रहता है, फ्रेंड्स गैस नहीं बनती है। रोटियों का आप इस तरह तवे पर ही सेक के। इससे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी रोटियां और गैस्ट्रिक की समस्या भी नहीं होती है। देखिए ये मैंने इनके लिए भी नाश्ता लगा दिया है, अब साथ साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।